स्पेक्ट्रम की, जो कि हमने पहले कर लिया है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन हमारा बाकी था, तो हेडिंग डलेगा कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। ये हमारे पास रहेगा। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। स्पेक्ट्रम लाइंस क्यों बनती है? हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाने पे। और हम कभी भी एक हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, हम क्या कर रहे होते हैं? सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये बात ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम इज मेजर फॉर ए सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स, और ये एटम्स की क्वांटिटी मिलियन बिलियन में होती है। समझ में आया? तो इसका मतलब वो सारी जो पॉसिबल लाइन है वो हमें किसी ना किसी एटम से मिल जाती है। इसका मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम कैन प्रोड्यूस और गेट बाय एनी हाइड्रोजन एटम, किसी ना किसी हाइड्रोजन एटम से तो मिल ही जाएगी हमें। तो हमारी जितनी भी पॉसिबल लाइन्स है वो हमें मिलेगी, ये नहीं कि आधी मिलेगी, कम नहीं मिलती जब एक ही एटम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है? कम नहीं मिलेगी वाली बात है। तो हमारे लिए अगला पॉइंट क्या रहेगा? कैलकुलेशंस ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, कैलकुलेशंस ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। तो ये कैलकुलेशन स्पेक्ट्रम लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। टोटल लाइंस आर दिस, टोटल लाइंस इज इक्वल टू एन एन माइनस वन बाय टू। कैसे डेराइव हुआ, कैसे आया? बहुत आसान है। मान लीजिए आपका एटम इस जगह है, कहाँ है? इस जगह है। एन इक्वल टू मतलब बहुत हाई एनर्जी लेवल पर है, और हमारे को एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स और मान लीजिए सेवन पर है। कहाँ पर है? सेवन पर, या एन ही मान लीजिए आप, एन की वैल्यू सेवन एट नाइन टेन कुछ भी हो सकती है। तो बताइए कहीं से भी लाइन जम मार हो, कहीं से भी आए, टोटल लाइमन लाइंस कितनी होगी, कोई बता सकता है? टोटल लाइमन लाइंस कितनी होगी? समझना, अगर एन की वैल्यू सेवन होती, सेवन होती तो एक दो तीन चार पाँच छ सिक्स होती, तो टोटल लाइमन लाइंस कितनी होती है जो यहाँ पर है? टोटल लाइमन लाइंस कितनी होती है, कितनी होती है? एन माइनस वन, सेवन होता सिक्स, सिक्स होता फाइव, फाइव होता फोर। टोटल बामर लाइंस कितनी होती? कितनी होती बेटा? अब थोड़ी सी कम रहती, बामर का मतलब एन इक्वल टू टू में जब मारना। तो अगर सेवन होता सपोज यहां पर, तो यहां कितनी लाइन बनती? एक दो तीन चार पांच, पांच से ज्यादा नहीं बनती, तो एन माइनस टू आपके पास बनता है। तो इसी तरह से हम आगे जा सकते हैं, टोटल लाइमन बामर पार्शन भी है। पार्शन लाइंस कितनी होती है? एन माइनस थ्री। तो इसी तरह से आगे जाएंगे तो टोटल लाइंस कितनी होगी? टोटल स्पेक्ट्रम लाइन
बता सकते हो कितनी लाइन होगी स्पेक्ट्रम टोटल, यहां आते आते लास्ट में कितनी हो जाएगी, वन तक पक्का, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, इस तरह से चलता। तो कितनी हो जाता, वन से लेके वन टू प्लस थ्री से लेके एन माइनस वन, और ये जो समेशन है ये वही है एन एन माइनस वन बाय टू। क्लियर है? तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन पॉइंट्स हुआ। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। इस पे दो तीन तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं। पहला फर्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करो, इन हाइड्रोजन एटम्स मतलब सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सिक्स शेल, या तो वो सिक्स शेल बोलेगा या ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट होती है फिफ्थ। देखिए ये होता है ग्राउंड स्टेट, ध्यान से सुनना, ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी एन माइनस वन। तो या सिक्स शेल को ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सिक्स ऑर्बिट बोल दो आप, या आप बोलोगे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। पक्का? फर्स्ट शेल को क्या बोलोगे आप, ग्राउंड स्टेट। देन फाइंड, इनमें से कुछ भी हो सकता है, देन फाइंड टोटल स्पेक्ट्रम लाइन फर्स्ट, इसके अंदर भी मैं कुछ कर देता हूं, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी है, टोटल स्पेक्ट्रम लाइन है टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी बताओ। इसके लिए आपके पास हो जाएगा टोटल लाइमन लाइन कितनी होगी, सी टोटल बामर लाइन कितनी होगी, डी टोटल लाइन एक्सेप्ट विजिबल कितनी होगी। ये चार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। फर्स्ट टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, एन एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है, क्या है यहां पर, पांच है या चार है या तीन है, जल्दी से बोलो एन की वैल्यू क्या रखनी है, सिक्स। अगर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट दिया है तो इसका मतलब बी सिक्स है, पक्का। अगर टेंथ एक्साइटेड दिया है तो एन की वैल्यू क्या होगी, इलेवन, यहां पर सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स माइनस वन कितना हुआ, फाइव बाय टू, तो आपके पास कितना आ रहा है, फिफ्टीन आंसर बी का। यानी यहां कौन सा फॉर्मूला लगा था, एन एन माइनस वन बाय टू वाला फॉर्मूला। सेकंड टोटल लाइमन लाइंस कितनी होती है, एन माइनस वन, यानी कितना होगा, सिक्स माइनस वन, यानी कितना आंसर आएगा आपका, फाइव। सी टोटल बामर लाइन एन माइनस टू, सिक्स माइनस टू फोर, डी टोटल लाइन एक्सेप्ट एक्सेप्ट विजिबल, विजिबल कौन सी होती है, लाइमन या बामर, बामर। तो इसका मतलब 15 में से क्या माइनस करोगे आप, फोर, ऐसे करना है आपको। हाँ बोलो बेटा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के अंदर सारी बामर लाइन विजिबल आती है, बोलो यस और नो। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप इसको करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, यहां अगर एक ही एटम दिया जाता
तो क्वेश्चन कैसे बनता है? ये सब समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आईटी में नहीं आते, लेकिन हम जनरली बेवकूफ बनाने के लिए बनाते हैं। इन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिक्स ऑर्बिट देन मैक्सिमम पॉसिबल लाइन लाइन आर। तो कैसे रहेगा इसका सॉल्यूशन, कैसे बनाओगे आप, कितनी लाइनें आएगी? तो इसको आप बनाने के लिए ऐसे करें, 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6। अब मैक्सिमम पॉसिबल लाइन बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बार में जब मार दो कराना चाहोगे या धीरे धीरे? धीरे धीरे। तो एक लाइन बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यानी आपको टोटल कितने मिलेगी? पांच लाइन है, तो आपको मैक्सिमम लाइंस कितनी मिलेगी यहां पर? फाइव। आंसर आपका आएगा फाइव। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना, केवल एक एटम पे कराओगे तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो ये आप समझें कि जब आपको एक स्पेसिफिक एटम एक या दो कर दिया जाए तो आप कैसे सोचेंगे, फिर आपको डायग्राम बना के तरीके से सोचना पड़ेगा, आईक्यू लगाना पड़ेगा। मैंने दो जगह बहुत अच्छे से बता दिया, लिखें इसको, बता देता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन ए सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट स्पेक्ट्रम लाइंस बिटवीन टू ऑर्बिट। ये हमारा टारगेट है कि दो ऑर्बिट के बीच में कितना होगा। मान लीजिए एन टू है, फिर एन टू माइनस वन, फिर एन टू माइनस टू, फिर एन टू माइनस थ्री, ऐसे करते करते हम कहाँ आ गए? एन पर आ गए। तो बताइए एन टू से एन टू माइनस वन में कितने जम हो सकते हैं? जस्ट नीचे वाले में एक ही लाइन बनेगी, यहाँ एक लाइन होगी, यहाँ कितनी लाइन होगी? दो। यहां कितनी लाइन बनेगी? तीन। और ऐसे करते करते यहां पर कितनी आ जाएगी टोटल लाइन इसके अंदर? एन टू माइनस एन वन, सिर्फ इसके अंदर, एन वन के अंदर इतनी लाइन है। तो टोटल कितनी बनेगी पूरे इसमें? तो टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगी? वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन टू माइनस एन वन तक। और इन सीरीज का समेशन अगर लगाओगे तो एन टू माइनस एन वन मल्टीप्लाई बाय एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस इन बिटवीन 10 थ्रू थर्ड ऑर्बिट। तो कितना इजी है, फॉर्मूला तैयार ही है, 10 माइनस 3 अपॉन 10 माइनस 3 प्लस 1 यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 2 यानी 45। और यहां गलती हो रही है, तो यहां कितना हो रहा है 7 और ये कितना हो जाएगा 8। तो यहां कितना हो जाएगा 4 और 7 चौक 28। सही है, देखो जल्दी से करो इसको।